बहुत जोर तूफान आ रहा है। एक काम करते उस हवेली में चलते हैं, देखते हैं चल के। कितना भयानक तूफान है बाहर। भयानक? मुझे तो कितनी रोमांटिक सी नाइट लग रही है। हम तुम एक हवेली में बंद हो। ताजिया कोई नहीं, हवा से बंद हो। मुझे कुछ यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, हमको चलना चाहिए यहाँ से। शाजिया बाहर इतनी तेज आंधी तूफान, हम लोग भीगते भीगते बचे हैं, और वैसे हम जाएंगे कहाँ? रश्मि हम लोग यहाँ बहुत सेफ हैं, बिल्कुल सेफ। शाजिया कोई नहीं है वहाँ पे, ये हवेली जाने कब से बंद पड़ी है, और मैं यहाँ से कितनी बार गुजर चुका हूँ, मुझे आज तक कोई नहीं दिखा। नहीं रवि, वहाँ कोई है। ए यार शाजिया, कौन है बताओ? रवि, रवि, शाजिया, रवि, शाजिया भागो, कोई खोलो। ये सारे दरवाजे अपने आप कैसे बंद हो रहे? शाजिया गेट। शाजिया चलो, शाजिया रवि, हाँ देखो वो दरवाजा खुला है। शादिया चलो, शादिया रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? शादिया चलो, ये दोनों भी ऐसे ही लटके हुए थे, इससे पहले भी चार लोगों की मौत ठीक ऐसे ही हुई थी सर। आहियापुर स्थित भूतिया हवेली में मौत का सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक बार फिर दो और लोगों की मौत हो गई है। हम आपको बता दें पिछले 18 महीने में कुल मिला के यहाँ 6 लोग मारे जा चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ आ चुकी है, आइए देखते हैं पुलिस का इसमें कहना क्या है। अब तक कुल मिला के 6 लोगों की मौत हो चुकी है, पुलिस का क्या कहना है, इस मौत के पीछे कारण क्या है? पहले 4 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, अब इन दोनों में देखते हैं क्या निकल के आता है। आपको क्या लगता है कौन कर रहा है ये सब? बिना सबूत के कुछ भी कहना मुश्किल है। और कौन मारेगा? दीनू के भूत ने मारा है, जिस तरह से वो खुद लटक के मरा है ना, उसी तरह से वो लोगों को पकड़ता और मार देता, और वो ऐसा ही करता रहेगा जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक। बिल्कुल, आप लोगों की वजह से दीनू को इंसाफ नहीं मिल रहा है, 18 महीने से लटका है, उतरने दो इसे अब। बिल्कुल नहीं, जब तक ग्राम पंचायत को इसकी मौत का मताना नहीं मिल जाता ना तब तक नहीं उतरने देंगे हम।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, सदियों से हमारे गांव का परंपरा चला आया है और आपको एक बात बता दें हम कि पुलिस के कानून से हमारे रीति रिवाज और गांव के कानून बहुत बड़े हैं। अब जाओ और धनीराम को पकड़ के लाओ। दीनू के मौत का हर्जाना लेना है, उसी के कारण दीनू ने आत्महत्या की है। बिल्कुल। डंडा बाबा, आपको क्या लगता है आपका डंडा यंत्र क्या कहता है? हमारा डंडा से मार खाने के बाद दीनुआ की आत्मा हमसे बोली कि हमारा जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो एक एक को मार के ऐसे लटका देंगे। तो सुना आप लोगों ने, ये थी मौताना के भूत दीनू की कहानी। अब देखना ये है कि आखिर कब तक चलता रहेगा ये मौतों का सिलसिला, क्या है इन मौतों के पीछे का रहस्य और आखिर कौन दिलाएगा दीनू की आत्मा को शांति। जानने के लिए देखते रहिए कैमरामैन रवि श्रीवास्तव के साथ मैं रागिनी कुमार अब तक में। विवेक, आर यू श्योर? आई मीन सोच लो, तुम जो करने जा रहे हो वो काम बहुत खतरनाक है। रागिनी, तुम तो जानती हो मेरा काम आत्माओं से बातचीत करने का है और जो आत्माएं परेशान है उन्हें मुक्ति दिलाने का। मैं जानती हूँ तुम 30 से ज्यादा ऐसे केसेस हैंडल कर चुके हैं, लेकिन सच बताना, ये भूत पिशाच होते भी हैं या तुम बस पैसा कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? तुम एक काम क्यों नहीं करती, चलो मेरे साथ हवेली पे, तुम खुद भी देख लेना और अपने चैनल पर भी दिखा देना। इसमें ना नाइट विजन लेंस है, कम रोशनी में कोई आत्मा इधर उधर होगी या टहल रही होगी तो वो सब कुछ इसमें कैप्चर हो जाएगा। I don't think so, मैं यहाँ कुछ मिलने वाला है, बाहर पेड़ के नीचे देखते हैं। मैं ये मशीन और ये टॉर्च यहाँ पर रखूँगा और अगर कोई आत्मा यहाँ पर होगी ना तो इसके जरिए हमसे बात करेगी और वो सब कुछ हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तीनू, अगर तुम यहाँ पर हो तो हमसे बात करो, इसकी दो बत्तियाँ जलाओ। ये देखो विवेक, बत्ती जल रही है, इसका मतलब दीनू का भूत यहीं कहीं है। वो तुम आ गया इसलिए जली है। दीनू, अगर तुम यहां पर हो तो हमसे बात करो, इन पेड़ों के पत्ते हिलाओ। ये देखो वो पत्ते हिल रहे हैं, इसका मतलब दीनू यहीं कहीं है। अरे ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वो सब हवा से हिल रहे हैं।
देखो यहाँ पर अगर कोई है तो हमसे बात करो, हम मदद करने आए हैं, तंग करने नहीं। मुझे नहीं लगता रागिनी यहाँ पर कोई आत्मा है, ये सब एक अफवाह है। आई थिंक पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करना चाहिए। बाकी मैं वीडियोस चेक कर लेता हूँ, अगर उसमें कुछ मिला तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है फिर निकलते हैं यहाँ से। रागिनी, मुझे कुछ देखा है वीडियोस में, तुम्हें कल मिलकर बताता हूं। क्या मल्टी